सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। देगलूर बलिया के नायब सदर बलिया अली मुनीसा बेगम सैयद आरिफुद्दीन को 22 फरवरी ता 10 मार्च तक के लिए सदर बलिया ओहदे का इजाफी चार्ज सौंपा गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मिस्टर इरलोड सर ने उन्हें इजाफी चार्ज सौंपा। बल्दिया के इजलास हाल में ये तकरीब अमल में आई। इस मौके पर तमाम ही काउंसलर्स मौजूद थे। वाज़ह रहे कि सदर बल्दिया मुगलाजी अन्ना शिरशटवार की जानिब से ये दूसरा मौका है कि उन्होंने सदर बल्दिया का इजाफी चार्ज अपने करीबी साथियों को दिया। वाज़ह रहे कि आखिरी मरतबा सन 2000 में एडवोकेट मोहसिन अली साहब की अहलिया सदर बल्दिया रह चुकी। अब 21 सालों बाद किसी मुस्लिम रहनुमा को सदर बल्दिया बनने का एजाज़ हासिल हुआ। देगलूर के जैयद आलम दीन नुमाइंदा काउंसलर अलहाज मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन रिफाई को देगलूर बल्दिया इंतखाबात में मुसलसिल कामयाबी हासिल करने वाले मुस्लिम खाइद के तौर पर देखा जाता है। मुफ्ती मुख्तारुद्दीन रिफाई की सियासी बसीरत और उनके समाजी कामों को देख कांग्रेस के आला कायदीन भी मुफ्ती साहब की सियासी बसीरत को सलाम करते हैं। यही वजह है कि इंतखाबात हों या फिर कोई मसला, उनकी राय के बगैर कोई फैसला नहीं लिया जाता। मुफ्ती साहब को सदर बल्दिया ओहदे का इजाफी चार्ज मिलने पर उन्हें शहर के तमाम नामी गिरामी अफराद की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही बल्दिया इजलास हाल में इजाफी चार्ज देने की तकरीब का अख्तिताम हुआ, वहीं पर मुफ्ती साहब के चाहने वालों की बड़ी तादाद पहले से ही बल्दिया पहुँच चुकी थी और उन्होंने मुफ्ती साहब की कसरत से गुलपोशी की और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हर दिन अपडेट न्यूज़ के लिए बने रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईजे न्यूज़, नांदेड़। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज़ लाइव।